नमस्कार, मेरा नाम भक्तोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भक्तोष फोगाट में स्वागत है। तो इसमें हम आपको बताएंगे 2011 से 2020 के बीच जो क्वेश्चन पूछे गए नाउन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, इसमें था द वर्ड स्ट्रेंथ इज अ, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, तो एक गुण यानी भाव, तो इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी भाववाचक संज्ञा और जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2018 में पूछा गया यूपीटेट में क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, तो गंगापुर एक स्थान का नाम है, तो व्यक्ति और स्थान का नाम जो होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी सही आंसर है इसका प्रॉपर नाउन। अगला क्वेश्चन है मैटेरियल नाउन बताना है, कौन सा वर्ड है, तो हम जानते हैं मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक यानी मैटेरियल नाउन। तो इन चारों का अगर हम देखें तो कौन सा इनमें पदार्थ है यानी सब्सटेंस है, तो सही आंसर है गोल्ड। अगला क्वेश्चन था इन वर्ड्स में से हमें छांटना था एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है जिनसे भाव जाने जाते हैं, तो इन चारों को अगर हम देखें तो किससे भाव उत्पन्न हो रहा है यानी जुड़ाव लगाव, तो सही आंसर है कनेक्शन। अगला सवाल पूछा गया एडवर्सिटी वर्ड बताना है, इसमें कौन सी संज्ञा है यानी नाउन कौन सा है, तो हम जानते हैं एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई परेशानी, तो ये क्या है भाव, तो ये होगी भाववाचक संज्ञा, तो सही आंसर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूपीटेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया डेजर्ट यानी मरुस्थल, ये क्या है, तो चार ऑप्शन हमारे पास थे तो साफ पता चल रहा है मरुस्थल क्या है, इसका सही आंसर है नाउन। यूपीटेट 2013 में पूछा गया कि चेंज द फॉलोइंग वर्ब इंटू नाउन, यानी हमें वर्ब को नाउन में चेंज करना है, वर्ब है हमारे पास अप्रूव, तो हम जानते हैं अप्रूव का जो नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रूवल। तो ये थे जो यूपीटेट 11 से पूछे गए 2020 तक। इसी तरह ईयर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।